हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस भी सेट कर लें ताकि आप पढ़ सकें डेली वर्ड को सबसे पहले। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुड़ा जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन प्रार्थना आपको आगे लेकर जाती है। उत्पत्ति की पुस्तक 39 की 3 आयत में लिखा है, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। मेरे प्रियो, चाहे आप धर्मी हो, पवित्रता में हो, लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान नहीं हो तो फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में लेट हो जाएंगे, क्योंकि प्रार्थना आपको आगे लेकर जाती है और फिर आपके सारे हालात भी सही हो जाते हैं। बाइबल में जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसके भाइयों ने उसको मिस्र देश में बेच दिया था। वह बहुत बुरे हालातों के बीच से निकला, लेकिन वह फिर भी परमेश्वर से अलग नहीं हुआ। वह प्रार्थना करने वाला इंसान था, इसलिए परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए वह जो भी काम करता था उसमें वह सफल होता था। जब वह जेल में था तो परमेश्वर उसके साथ था। जेल के दारोगा ने जेल की सारी जिम्मेदारी यूसुफ के हाथ में सौंप रखी थी। मेरे प्रियो, यूसुफ पाप की ओर नहीं गया, वह पवित्रता में रहा और प्रार्थना उसके जीवन का मुख्य हिस्सा था। इसलिए फिरौन ने यूसुफ को कहा कि देख, मैं तुझे सारे मिस्र देश के ऊपर प्रधान नियुक्त कर देता हूँ। यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना और वह अपनी मंजिल तक पहुँचा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, अगर यूसुफ प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर के साथ चलने वाला इंसान ना होता तो वह कभी भी अपनी मंजिल तक न पहुंच पाता और जो योजना परमेश्वर उनके लिए रखी थी उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाता। अगर उस समय वह पोतीपर की पत्नी के साथ सोकर पाप कर लेता तो सोचता कि मैं परमेश्वर के साथ सही रीति से चलता हूं, पर फिर भी मैं जेल में क्यों हूँ। मेरे प्रियो, यूसुफ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलता रहा, पवित्रताई में बना रहा और उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, इसलिए वह अपनी मंजिल तक पहुंचा। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनके जीवन में हालात सही नहीं होते तो वे अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। उनका प्रार्थना वाला जीवन कमज़ोर हो जाता है और इसलिए वे अपनी आशीष को नहीं ले पाते। पर जब वह हर एक हालात में अपनी प्रार्थना वाले जीवन को कमज़ोर नहीं होने देते तो उनके जीवन में सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है और वह आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने प्रार्थना के जीवन को मजबूत करें और परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाएं। अपने प्रार्थना के जीवन को कमज़ोर ना होने दें, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे और आशीष होते जाएंगे। आमीन, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर करें ताकि मैं आपके वचनों के अनुसार अपने प्रार्थना वाले जीवन को मजबूत बना सकूं और आपके वचनों पर चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस पवित्र वचन और सामर्थ्य वचन के द्वारा सौ गुणा फलों के साथ आशीषित करें। आमीन।